अखिल भारतीय संत आज समिति की जो बैठक है उसमें तमाम विषयों पर चर्चा हुई। हमारे साथ संत हैं बालकनाथ जी, ये बताइए कि एक विषय आपने रखा कि पूरे देश में जगह जगह पर अनाथालय चल रहे हैं, उन अनाथालयों के माध्यम से जब बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें अलग अलग धर्मों में भेजा जाता है, किस तरीके का ये षड्यंत्र है? देखिए ये क्या है कि प्रायः करके हमारे यहाँ क्या है कि सनातन धर्म के अंतर्गत भारत में अनाथ आश्रम का कोई चलन ही नहीं था। हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे और जो बच्चा भी जाता था, आज भी आप देख लो जो बड़े लोग हैं जैसे कि आप मारवाड़ी लोग हैं, सिख लोग हैं, उनके यहाँ ज़्यादा अनाथ नहीं निकलते हैं, लेकिन और हिंदू समाज में अनाथ बच्चे निकलते हैं। तो ये जो ईसाई लोग हैं ये लोग ज़्यादातर अनाथ आश्रम खोले हैं। तो ये नियम होता है कि छोटे से बच्चे रख करके और 18 साल के बच्चे को फिर निकाल देते हैं। तो जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है ईसाई द्वारा, तो वो ये होता है कि हम पहले तो इस प्रकार से पढ़ाते रहेंगे बताते रहेंगे, अब 18 वर्ष के बाद जब उस बच्चे को निकाल दिया जाता है तो उसके पास ना कोई जॉब होता है ना कोई काम होता है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी पहले से सेटिंग होती है कि इतने बच्चे फलाने चर्च से आज निकलेंगे, तो उस पर क्या है कि कुछ मौलवी लोग उस पर अपना नज़र रखते हैं और कुछ जो है ईसाई लोग नज़र रखते हैं। तो कुछ ईसाई लोग उनके पास पहुँचे और अपने धर्म के लिए उनको अपने बीच में ले आए और उनको खाने पीने की व्यवस्था दे दी, थोड़ा सा रहने की व्यवस्था दे दी, तो वो उनके ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, कुछ जो है मुस्लिम धर्म का प्रचार करने लगे। और भी षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म में जो है जैसे कि लव जहाद है उसके आधार पर उनको पैसा दिया गया, तो पैसा के क्योंकि वो तो अब उस समय बेरोजगार हैं, जहां आप लगाइएगा तहां लगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने निवेदन किया है कि हर एक संत को हर एक चर्च में एक संत को प्रवेश कराया जाए और उसमें उन बच्चों को जो 13 साल से लेकर 18 साल के बीच में उन बच्चों को पढ़ाया जाए और उसमें हर एक बच्चे को एक लैपटॉप दिया जाए, उनके माध्यम से उनको अपनी शिक्षा पढ़ाई जाए बताई जाए और फिर ये जो संत समाज है हमारा बहुत बड़ा संत समाज है उन बच्चों को जॉब के तहत या उनको नौकरी कहीं एडजस्ट कराया जाए जिससे वो अपना भविष्य बना सकें, अपने भविष्य भटके नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से सदाचारी बने रहेंगे और आज्ञाचारी अपने भारत देश के लिए बने रहेंगे। इसलिए मैंने इस मुद्दे को रखा है कि इन चर्चों के ये अनाथ आश्रम के द्वारा लाखों लाख बच्चे प्रतिवर्ष निकलते हैं और उन बच्चों को ईसाई धर्म में और प्लस जो है मुस्लिम धर्म में लगा दिए जाते हैं। आपको कब ये अंदेशा हुआ कि इस तरीके का एक पूरा रैकेट जो है वो चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे क्रिश्चियन मशीनरी हैं जो इस तरीके के जो आश्रय स्थल हैं वो चला रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत है, आपने कहा उत्तर प्रदेश में भी बहुत है, आपको संदेह कब हुआ? मैं जब जौनपुर में मेरी कथा हो रही थी और वहाँ पर कुछ ईसाई लोग गए और उनको ईसाई लोग जब बनाने लगे वहाँ के छोटे छोटे लोगों को, तो मैंने एक ईसाई को पकड़ा और पकड़ के उसको मारना पीटना जब चालू किया तो उसने फिर पूरी पूरी बात अपनी सारी साबित की कि हम किस प्रकार से चलाते हैं, हम कहाँ से निकले हैं, हमको कैसे हटाया गया, हमको कैसे भगाया गया है, अनाथ आश्रम में हम रहते थे वहाँ से हमको भगा दिया गया, फिर हमको फलाने लेकर के आए, इसके माध्यम से हम यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि तो मतलब एक तरीके से पूरा ब्रेन वॉश कर दिया पूरा, भाई ब्रेन वॉश तो मजबूरी है उसकी क्योंकि उस समय उसके पास बिजनेस नहीं है, 18 साल का हो गया उसने निकाल दिया गया है, अब कोई बिजनेस नहीं, उधर उधर ठोक रहे तो कहीं ना कहीं उसको शरण मिल गई, अब उनके साथ लग गया, तो अब जहां शरण में लग गई भोजन में रहा तो उसी के आधार पर ना चलेगा अगला आदमी। तो ये सारी चीजें जो उसके माध्यम से पता चला तब मुझे इस पर जानकारी हुई, फिर मैंने कई संतों पर चर्चा की, लोकल जैसे हमारे बनारस में हमने संतों की बैठक की और इस पर हमने विश्वेंदु प्रसाद से कई पदाधिकारियों से चर्चा की, कुछ आरएसएस के लोगों से चर्चा की, इसमें बड़ा उन लोगों ने भी गंभीर दुख जाहिर किया कि वास्तव में ये हो रहा होगा। संत समिति में जब आपने इस बात को रखा क्या निर्णय लिया गया और क्या रणनीति फिर बनी? अभी तो लोगों ने सुना है और हमारे वक्तों को उन्होंने बड़े गौर से सभी पदाधिकारियों ने सुना है, इस पर जो है जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय निकल करके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।